हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अप्लाई नाउ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास या आपने आईटीआई कर रखी है और फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम आपको ऐसी ही वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करें। आज की वैकेंसी जो कि निकाली गई है इंटरनल कोच फैक्ट्री के अंदर। बात करें इसमें फॉर्म डेट की, तो इसमें फॉर्म डेट आपको 27/9/2021 से लेकर 26/10/2021 तक दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको 792 सीट्स निकाली गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट से 100 रुपीज़ फ़ीस लिया जाएगा। वहीं आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपसे कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एज आपका 26/10/2021 से काउंट किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 15 इयर्स एंड मैक्सिमम 24 इयर्स तक दिया गया है। वहीं आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी को 3 इयर्स एंड एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी और सैलरी की। तो अगर आप 10वीं 12वीं या आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें स्टिपेंड की, स्टिपेंड यानी आपको काम सिखाया जाता है उसके बदले में कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको स्टिपेंड कहते हैं। इसमें आपको 7000 पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। बात करें इसमें सिलेक्शन की, तो इसमें आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसमें आपके 10th 12th आईटीआई की बेस पे मेरिट निकाली जाएगी। और भी अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना है। अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप टू में गाइस, आपको अपनी पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी भी पे करनी है। एग्जामिनेशन फ़ी आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको ठीक लगे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट या फिर आप चाहे तो पीडीएफ भी सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।